बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। एमएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट मैयर थ्योरी, टॉपिक मैयरेबल फंक्शंस, लेक्चर 14, चैप्टर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैयरेबल फंक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स थ्योरम वगैरह किए थे। अब हम अपने लेक्चर्स की तरफ जाते हैं कि हमारा लेक्चर क्या है। हमारा जो लेक्चर है वो करैक्टरिस्टिक फंक्शन है। करैक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होते हैं, उनको इंडिकेट ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। इंडिकेट ऑफ फंक्शन, ठीक है, करैक्टरिस्टिक फंक्शन इंडिकेट ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। लेट ई बी आ गिवन सेट, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ई। मतलब क्या है कि ई जो है हमारे पास वो मैयरेबल सेट है, हमारे पास गिवन सेट है। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि ई जो है आपके पास वो मैयरेबल सेट है, और आप लोगों को ये बताया था कि आपके पास एक फंक्शन होता है वो मैप करता है ई पे, तो वो आपके पास फिर क्या देता है, कोई भी आउटपुट रियल वैल्यूज़ की देता है, मीन्स के एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज़ देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ई जो है वो मैयरेबल सेट है, और वो आप लोगों को क्या दिया गया है कि ए का वो सबसेट हो ई, मीन्स के हमारे पास ई के जो भी एलिमेंट्स लिए जाएँ वो ए में भी मौजूद हों, मीन्स के ए जो हमारे पास है वो सबसेट हो ई का, ठीक है। तो ये हमारे पास है काई ऑफ ए, इसको हम इंडिकेट फंक्शन कहते हैं, इज इक्वल टू वन, एक्स बिलोंग टू ए, मीन्स के अगर हमारे पास वन होगा तो वो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए में से, और अगर हमारे पास रिजल्ट जो है ज़ीरो हो जाता है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। मीन्स के हम यहाँ तो कहते हैं कि ए जो है वो सब सेट है ई का, मीन्स के हमारे पास ये कोई सेट है और जो भी हम इसमें एलिमेंट लेंगे वो ए में से ही होंगे, बट यहाँ पे जब हमारे पास कोई भी आउटपुट, कोई भी फंक्शन की वैल्यू वन आए या ज़ीरो आए, तो हम क्या कहते हैं कि जब वन आए तो वो एक्स जो है, एक्स मीन्स के कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू जो हमारे पास है वो इस सेट में से बिलोंग करे, मीन्स के हमारे पास जो वन है वो इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, इस ए में बिलोंग करता है। जब जो अगर जीरो आ जाए हमारे पास फंक्शन तो वो इस ए में से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि एवरी करैक्टरिस्टिक फंक्शन इज मैयरेबल, कि हमारे पास जो भी करैक्टरिस्टिक फंक्शन होंगे वो मैयरेबल होंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जब ई हो, कोई भी सेट हो, तो वो हमारे पास मैयरेबल सेट होता है। तो उसमें जब हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं तो भी वो भी हमारे पास मैयरेबल सेट होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जब कोई भी करैक्टरिस्टिक फंक्शन होते हैं वो मैयरेबल होते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ई जो है वो आपके पास गिवन सेट होगा, तो यहाँ पे भी वही ई है और वो मैयरेबल है। इसी तरह से जब यहाँ पे आपको बताया कि ए जो है वो सबसेट है ई का, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, और हम लोग इसको फंक्शन में लिखेंगे कि वो कैसे लिखा जाता है, ई का ई ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। वहाँ पर आप लोग लिखते थे ई एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है या अल्फ़ा, कोई भी आप वैल्यू देते थे, कि जैसा कि आप लोगों ने 4 पढ़े थे, मैयरेबल सेट की कंडीशंस पढ़ी थी, बल्कि आप लोगों ने 5 पढ़ी थी, कि एक तो आपके पास था मैयरेबल फंक्शन में कि एफ जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा है एंड लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा है, एंड ग्रेटर देन अल्फ़ा, लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा एंड लेस देन अल्फ़ा एंड लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा, मीन्स कि हमारे पास 4 कंडीशन होती थी, और दूसरा ये होता था कि इक्वल की भी कंडीशन होती थी मैयरेबल सेट में। आप लोग पिछला लेक्चर देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि मैयरेबल सेट में हमारे पास 4-5 कंडीशंस कौन सी होती थी। 5 को प्रूव करवा के दिया, और लेक्चर नंबर जो आपके पास 13 था, बल्कि 12 था, उसमें आप लोगों में भी 13 था, उसमें आप लोगों के पास वो जो इक्वल की कंडीशन थी मैयरेबल सेट में वो प्रूव करवा के दिखाई है, 5th कंडीशन थी। तो यहाँ पे भी वही है चीज़, आप लोगों के पास मैयरेबल सेट है, बट यहाँ पे हमारे पास इंडिकेशन ऑफ फंक्शन है थोड़ी सी उसमें चेंज है, क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन है। तो ई जो है वो मैयरेबल सेट है, काई यहाँ पे हमारे पास इंडिकेट ऑफ फंक्शन, करैक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन है, और वो चीज़ आपके पास ग्रेटर देन अल्फा है, इज इक्वल टू मीन्स कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लें, पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें अल्फा की वैल्यू, या इक्वल टू ज़ीरो लें, तो तब हमारे पास ये फंक्शन कैसे होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हमने ये देखना होगा कि जो भी हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे होंगे अल्फ़ा की, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन होगी इससे। आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा होगा कि आपके पास ई जो है वो मैयरेबल सेट है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जो है, इंडिकेट ऑफ फंक्शन जो है, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन होगी अल्फ़ा की वैल्यू से। फॉर एवरी पॉइंट ऑफ फंक्शन इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि ई है, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि अल्फ़ा जो है वो लेस देन ज़ीरो है। जब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू अल्फ़ा की, मीन्स कि हम अल्फ़ा की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ लेस देन ज़ीरो है, तो फॉर नेगेटिव है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम नेगेटिव कोई भी वैल्यू लगाएं,
यहाँ पे आप लोग देख लें कि जब भी कोई वैल्यू लगाते हैं नेगेटिव की, तो जाहिर सी बात है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो आती है वो ग्रेटर देन अल्फा आती है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, जो हमारे पास ई सेट है वो यहाँ पे लिखते हैं कि ए जो है वो सबसेट है ई का, ठीक है। इसी ई के वो पॉइंट्स होते हैं -1 -2 अप टू -1, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो है, अल्फा की वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो है, तो तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम इक्वल टू जीरो करें तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन होगा जीरो से। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि अगर तो वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है तो वो हमारे पास एक्स जो है वो बिलोंग टू ए करता है, ठीक है। जब ए करता है तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम अल्फा की वैल्यू जीरो लिखते हैं तो यहाँ पे हम काई ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो जब करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं। और जब हमारे पास जीरो इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 1 हो, मीन्स कि हमारे पास जो अल्फा है रियल वैल्यू है वो उनकी वैल्यू जो है वो 0 एंड 1 के दरमियान में हो, मतलब इंटरवल जो है 0 एंड 1 हो, तो तब हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पे देखें कि आपके पास काई ऑफ ए यहाँ पे आप लोग कर चुके हैं, तब आपके पास जब अल्फा इक्वल टू जीरो होता था तो आपके पास जहाँ यहाँ पे जो फंक्शन होगा ए होगा। तो ऐसे ही कि यहाँ पे हम जब इक्वल टू जीरो करेंगे या लेस देन 1 करेंगे तो तब भी हमारे पास ये वाला जो है ए जो है वो सबसेट है ई का। तो यही हम ए यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है बिलोंग टू ई कर रहा है तो यहाँ पे ए लिखते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास ये होता है कि अल्फा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, जब हम अल्फा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास काई ऑफ ए जो है वो 1 है, ठीक है। तो 1 से बड़ी हमारे पास कोई करेक्टरिस्टिक फंक्शन में वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एम्प्टी लिखते हैं, मीन्स के फाई लिखते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे पता हो करेक्टरिस्टिक फंक्शन में हम लोग अल्फा इज़ लेस देन लेते हैं, इक्वल लेस देन 0 लेते हैं फॉर नेगेटिव, अल्फा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं एंड अल्फा इज़ इक्वल टू 0 लेते हैं एंड 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 1 और अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमने ये 4 प्रॉपर्टी जो हैं अपने फंक्शन को की इंडिकेशन के लिए शो करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या डोनेशन आती है, हमारे पास क्या सेट आते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिए हुए हैं कि ए जो है वो सबसेट है ई का। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जो करैक्टरिस्टिक का फंक्शन है वो क्या ग्रेटर देन अल्फा होता है या नहीं होता। अगर तो वो ग्रेटर देन हमेशा हमारे पास जो फंक्शन होगा, चाहे हम करैक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, कोई भी फंक्शन पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा, वेरिएबल सेट था एफ ऑफ एक्स था तो वो ग्रेटर देन अल्फा हो जाता था, मीन्स कि हमारे पास ये चीज़ जो होती थी फंक्शन जो होता था वो ग्रेटर देन हो जाता था अल्फा से। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए लिखा हुआ है कि फॉर एवरी पॉइंट ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन अल्फा, तो ये चीज़ भी लिखी हुई है कि फंक्शन की कोई भी जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी अल्फा की वैल्यू से। और यहाँ पे भी आप लोगों को बता दिया है कि अगर तो 1 आ जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन की तो तब तो वो बिलोंग करेगा ए से, अगर 0 आ जाती है इससे कोई और वैल्यू आ जाती है तो वो बिलोंग नहीं करेगा ए से। इफ ए इज अ मयरेबल देन ई ऑफ काई ऑफ ए इज ग्रेटर देन अल्फा इज मयरेबल, सो हमारे पास जो काई ऑफ ए है वो भी हमारे पास आल्सो मयरेबल होगा। इफ ए इज अ नॉन मयरेबल, अगर तो हमारे पास ये वाला जो सेट है ए जो है वो नॉन मयरेबल है, तो देन हमारे पास ई ऑफ काई ऑफ ए इज ग्रेटर देन अल्फा इज नॉन मयरेबल, सो काई ऑफ ए भी हमारे पास आल्सो नॉन मयरेबल होगा। कैसे होगा कि अगर तो हम कहते हैं कि ए जो है वो मयरेबल है तो हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ मयरेबल हो जाती है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इज़ अ सबसेट ऑफ ई, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एवरी करैक्टरिस्टिक फंक्शन इज़ अ मयरेबल। अब मयरेबल का बताना है, तो जब हम कहते हैं कि ए जो है हमारे पास वो मयरेबल है तो ये चीज़ भी हमारे पास सारी मयरेबल हो जाती है। जब ये चीज़ सारी मयरेबल होती है तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन भी मयरेबल हो जाता है। जब तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ए जो है वो नॉन मयरेबल है तो हमारे पास ये सेट भी नॉन मयरेबल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास इंडिकेशन ऑफ फंक्शन ये वाला हो या ये वाला हो तो ये भी हमारे पास नॉन मयरेबल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन जो है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की ये मैयर थ्योरी में टॉपिक यूज़ होता रहेगा कि सिंपल फंक्शन होता क्या है, कि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन हो वो मैप कर रहा हो ई पे और हमें वो रियल वैल्यूज़ दे रहा हो, मीन्स कि हमारे पास इनपुट जो है वो कोई भी सेट है और हमें आर
आउटपुट जो है हमें रियल वैल्यूज दे रहा हो, तो वो हमारे पास सिंपल फंक्शन होगा, मीन्स के एफ मैप टू ई फ्रॉम आर, देन एफ इज सेट टू बी अ सिंपल इफ अज्यूम ओनली ओनली फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू वैल्यूज ईच ऑफ बींग इज फिनाइट, मीन्स के हम यहाँ पे ई सेट ले रहे हैं, अगर तो हम फिनाइट नंबर का सेट लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास आउटपुट जो हमारे पास रेंज होगी वो भी फिनाइट आएगी। जब हम डोमेन फिनाइट ले रहे होंगे नंबर, तो हमारे पास रेंज भी फिनाइट आएगी। और इसके बाद हमारे पास रेंज सेट जो है वो भी फिनाइट है। यहाँ पे आप लोगों को लोगों की आसानी के लिए लिख के दिखाया गया है कि ये हमारे पास जो रेंज है वो फिनाइट होगी। हम यहाँ पे लेट करते हैं कि जो हमारे पास रेंज सेट होगा वो कैसे होगा, कि लेट कर रहे हैं रेंज सेट ऑफ f इज, अगर हम तो ये फंक्शन जो है हमारे पास f को हम ले रहे हैं यहाँ पे a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, ठीक है, ये हमारे पास रेंज होती है, ये हमारे पास डोमेन होती है। अगर तो हम इस रेंज को फंक्शन ऑफ f कह रहे हैं और वो चीज़ हमारे पास क्या है a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, तो इफ़ देयर इज़ अ फिनाइट डिसजॉइंट क्लास, फिनाइट डिसजॉइंट क्लास कैसे बनती है ये भी अभी आपको बताती हूँ, लेकिन इसकी फिनाइट डिसजॉइंट क्लास ऐसे बनती है कि e1 e2 अप टू सो ऑन en, मीन्स कि हमारे पास e1 का जो इमेज है वो a1 बनेगा, e2 का जो इमेज है वो हमारे पास a2 बनेगा, और इसी तरह से फर्दर हम स्टडी करेंगे कि en का जो हमारे पास इमेज है वो an होगा ऑफ मयरेबल सेट। तो यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ कि ये हमारे पास डिसजॉइंट क्लास कैसे होता है। ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है। जब हम यहाँ पे e1 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे e2 ले रहे हैं अप टू सो ऑन en, इसी तरह से हम a1 ले रहे हैं a2 ले रहे हैं अप टू सो ऑन an ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी फंक्शन है f, मीन्स के हमारे पास e1 से a1 आ रहा है, तो जब तो हमारे पास e1 है इसका इमेज जो है हमारे पास a1 है, और इसी तरह से e2 है तो इसका इमेज जो है हमारे पास e2 है, और en है तो इसका इमेज जो है हमारे पास an है, ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही होगी। डोमेन है तो हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है, रेंज मीन्स हम यहाँ पे इमेज ले रहे हैं, एक फंक्शन ले रहे हैं, एक e1 ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इमेज भी एक ही बन रहा है, e2 एक ही सेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रेंज जो है इमेज जो है एक ही बन रहा है, यहाँ पे en ले रहे हैं तो इसका इमेज हमारे पास रेंज में an बन रहा है। एक पॉइंट के अगर दो इमेज बने तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, मीन्स के हमारे पास अगर ये है कि e1 और e2 का एक ही इमेज बन जाए, हम कहते हैं कि जी एक ही इमेज बन रहा है, तो तब हमारे पास ये फंक्शन इसमें डिफाइन नहीं होता, इसीलिए पॉइंट को फंक्शन बने तो उसे डिसजॉइंट कहते हैं। अगर हमारे पास जैसा कि आप ये चीज़ है अपना ही खुद ही इमेज बना रहा है, e1 है a1 है e2 है इसका इमेज a2 है, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट क्लास होगी। अगर तो हमारे पास दो हम पॉइंट्स यहाँ पे लें e1 और e2 और उसका इमेज हमारे पास एक बन रहा हो, तो उसमें हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो जस्ट सिंपल सी बात है, आप लोगों को सिंपल फंक्शंस की नोटेशन और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज कैसे लेते हैं, और उसमें आप लोग कैसे बताते हो कि अगर तो इमेज दोनों पॉइंट्स के एक इमेज बन रहा हो तो वो फंक्शन नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, अगर तो वन बाय वन एक दूसरे का एक ही आउटपुट दे रहा हो, एक ही इनपुट का एक ही आउटपुट दे रहा हो और दूसरे का एक डोमेन का दूसरा ही इमेज दे रहा हो रेंज में, तो तब तो वो सिंपल फंक्शन होता है। इसी तरह से आप लोगों के पास ये चीज़ क्लियर हुई, और आप लोग ये कह सकते हो अब ये आपके पास सेट है en, ठीक है, वो सबसेट होगा इस a का, ठीक है, इस a का होगा, अब a1 a2 a3 कह रहे हैं, तो अब इसे हमको लेट्स सपोज भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास e है, तो हम कह सकते हैं कि en जो है वो सबसेट है e का। इसी तरह से ये हमारे पास फंक्शन था कि रेंज सेट ऑफ f इज ये हमारे पास सेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास f ऑफ x क्या है a ऑफ i है, कह सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पास x होगा वो किस से बिलोंग करेगा, इस e से, e ऑफ i से, ठीक है, कि i मीन्स 1 2 3 अप टू सो ऑन nth टर्म।
इसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन अ मेयरेबल सेट इज मेयरेबल, कि हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं ऑन अ मेयरेबल सेट और फिर वो खुद ही भी मेयरेबल होते हैं। तो इसका प्रूफ ये है कि एफ मैप टू ई फ्रॉम आर, कि एफ जो है हमारे पास वो कंटिन्यूअस है और ई जो है हमारे पास वो मेयरेबल सेट है। जाहिर सी बात है जब ई हमारे पास मेयरेबल सेट होगा तो जो हमारे पास यहाँ पे डोमेन बनेगी वो भी मेयरेबल सेट होगी। तो हम ये कहते हैं कि एफ मैप टू ई फ्रॉम आर टू प्रूव डैट एफ इज़ मेयरेबल, जो हमारे पास एफ है वो यहाँ पे मेयरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसा कि आप लोगों ने मेयरेबल सेट में पढ़ा था, ई ऑफ एफ इज़ लेस देन और इक्वल टू एल्फ़ा, जो उनकी 5 कंडीशंस पढ़ी थी, तो उन्हीं में से है ये चीज़, ई ऑफ एफ इज़ लेस देन और इक्वल टू एल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा सेट बनता है, ए इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कोई एक ऐसा सेट लेते हैं, यहाँ पे हम ई ले रहे हैं तो यहाँ पे हम ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कोई भी सेट ले सकते हैं। ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग टू ई, सॉरी हम यहाँ पे सेट लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग टू ई एंड एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू एल्फा है। ठीक है, और लेट करें ये जो हमारे पास पॉइंट होगा एक्स का, तो यहाँ पे हम एक्स नॉट इसे लेट करते हैं बी आर लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्या है जी हमारे पास ये जो हमारे पास एक्स है बिलोंग करता है ई पे, बिलोंग कर रहा है ई पे, यही चीज़ है आप लोगों के पास मेयरेबल सेट, और यही एक्स जो है एक्स नॉट बी आर लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दे आर एग्जिस्ट आर सीक्वेंस ऑफ एक्स एन ऑफ लिमिट पॉइंट इन ए। अगर तो हम लिमिट पॉइंट लेते हैं तो तब हम एक्स नॉट कहते हैं कि लिमिट पॉइंट जो है वो इस ए का है। ठीक है, जब हम सीक्वेंस लेते हैं कि एक्स एन, जब हम सीक्वेंस लेते हैं तब भी हम कहते हैं कि वो पॉइंट है इस ए का, सच दैट एक्स एन जो है हमारे पास सेट है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स नॉट पे। ये जो लिमिट पॉइंट ऑफ ए है वो कन्वर्ज करता है लिमिट पॉइंट ऑफ ए पे, तो एक्स सेट ऑफ एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स नॉट पे। कंटिन्यूस हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स एन इज़ लेस देन आर इक्वल टू एल्फ़ा। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि nth टर्म तक ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स एन इज़ लेस देन आर इक्वल टू एल्फ़ा फॉर ऑल हमारे पास यहाँ पे n यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि बाय कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स नॉट, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे बाय कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स नॉट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ लेस देन आर इक्वल टू एल्फ़ा पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास है कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन इज़ लेस देन आर इक्वल टू एल्फ़ा, यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं, कौन सा लिमिट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे एक्स नॉट लिया, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ लेस देन आर इक्वल टू एल्फ़ा। और ये हमारे पास जो एक्स नॉट होगा वो किस में से होगा, उसी ए में से होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट भी उसी ए का है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसी तरह से ए जो है हमारे पास वो क्लोज सेट होगा, क्लोज सेट क्यों होगा, क्योंकि उसमें तमाम जो लिमिट पॉइंट हैं वो ए में ए के ही होंगे। कैसे होगा कि आप लोग यहाँ कहते हो कि एक्स नॉट जो हम ले रहे हैं, पीछे आप लोगों को बताया है कि वो क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, कि एक्स नॉट जो हम लोग ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, इस एक्स बिलोंग टू ई कर रहे हैं, तो ये एक्स बेसिकली हमने उन्हें यहीं से लिया है, एक्स नॉट का कह रहे हैं, और ये एक्स नॉट जो है वो इसी का सेट होगा, इसी लिमिट पॉइंट मतलब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास एक्स नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए होगा तो हम कहेंगे कि ए जो है हमारे पास वो क्लोज सेट है। क्यों क्लोज सेट है, कि हमारे पास जो भी लिमिट पॉइंट आएंगे वो इसी ए में से होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड है। ए इज़ मेयरेबल, जो हमारे पास ए जो है वो मेयरेबल है, और हमारे पास ये जो फंक्शन है ये भी हमारे पास मेयरेबल है। इसी तरह से ये आप लोगों का थ्योरम जो है, प्रूफ जो है यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि मेयरेबल फंक्शन जो है वो डज नॉट कन्वर्ज करता है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि कंटिन्यूस होना उसका उसका लाजमी है, बट हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि मेयरेबल फंक्शन जो है अगर तो वो डज नॉट कन्वर्ज करता है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती कंटिन्यूस फंक्शन होना। तो एफ मैप टू आर फ्रॉम 0 एंड 1, तो हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास एफ जो है वो मैप कर रहा है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ई सेट पे मेयरेबल सेट पे, और वो हमें रियल एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज़ देता था। तो यहाँ पे हम आर कोई सेट ले रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है 0 एंड 1 पे, वो है भी क्लोज्ड। और हम इसकी एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और हमें वो रिजल्ट 1 दे,
तो हमारे पास इंटरवल किसके दरमियान होगा? 0 एंड 1 के दरमियान होगा, क्योंकि हमारे पास ये डिफाइन है 0 एंड 1 पे, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 1। ठीक है, अगर हमारे पास ये फंक्शन जो है वो 0 हो जाता है, तो हम यहाँ कहते हैं कि अदरवाइज। अदरवाइज क्यों कहते हैं? कि जब हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इंटरवल जो है 0 एंड 1 के दरमियान है। अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो 0 आ जाए, तो तब बात ही ख़त्म हो जाती है उन लोगों की। तो अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है यही चीज़ है, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ई जो है वो मैयरेबल सेट है, एफ इज़ ग्रेटर देन एल्फा है, और यहाँ पे हम फॉर पॉजिटिव ले रहे हैं, एल्फा इज़ लेस देन 0 एंड एल्फा इज़ इक्वल टू 0, एंड 0 इज़ लेस देन एल्फा इज़ लेस देन 1 एंड एल्फा इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अभी आपको स्टार्ट पॉइंट में बताया कि करेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन या इंडिकेट ऑफ फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो ये उसी की डेफिनेशन ही है हमारे पास, कि हमारे पास अल्फा जो है वो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अल्फा जो है हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, और अल्फा हमारे पास 0 एंड 1 के दरमियान लाई करे तो क्या होगा, और हमारे पास अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा। तो जब हमारे पास अल्फा जो है वो लेस देन 0 हो, लेस देन 0 हो, तब हमारे पास यही आर सेट होगा। ठीक है, कैसे होगा? कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमेशा बड़ा होगा इस अल्फा की वैल्यू से। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम यहाँ पे आर लेंगे, और अगर हमारे पास अल्फा इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो ई 0 जो है वो क्लोज्ड होगा, और 1 तो है ही नहीं इंक्लूड, तो हम ओपन उसको लेंगे। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से आप लोगों का 0 एंड अल्फा जो है 0 एंड 1 के दरमियान लाई करता है। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 0 जो है वही क्लोज्ड होगा, मतलब कि हमारे पास ये फंक्शन है वो ग्रेटर देन होगा इस 0 से, तो 0 क्लोज्ड होगा एंड 1 जो है हमारे पास ओपन होगा, तो यही सेट दोबारा से लिखा जाएगा। और अगर हम कहें कि अल्फा जो है हमारे पास उसकी वैल्यू जो भी आए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, तो आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन जो है वो ये है कि अगर तो वैल्यू 1 आ जाती है तो एक्स बिलोंग टू ए होता है, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो आप देखें कि आपके लोगों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल क्या कहती है, तो वो फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर देन हो जाता है अल्फा की वैल्यू, तो तब हमारे पास रिजल्ट जो है फंक्शन की वैल्यू में वो फाई आ जाता है, मीन्स कि हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। तो इसी तरह से आर है क्लोज्ड, 0 एंड 1 है ये भी सेम है एम्प्टी है, तो ये चीज़ें आप लोगों के पास मयरेबल सेट हो जाती हैं। इसके बाद आप लोगों के पास है सेट, उसी को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू द सेट ई इज़ ग्रेट, द सेट ई ऑफ एफ इज़ ग्रेटर देन एल्फा इज़ मयरेबल, देन हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास भी मयरेबल होगा, क्योंकि जब ये चीज़ सारा सेट जो है मयरेबल हो जाता है, तो देन हमारे पास एफ जो है एफ ऑफ एक्स है वो भी हमारे पास मयरेबल होगा। क्लियरली फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 एंड 1। वो डिसकंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? कि जब हमारे पास इंटरवल जो है 0 और 1 के दरमियान में लाई करे, तो वो हमारे पास कैसा होगा? तब देखें कि ये 0 एंड 1 है, अगर तो 0 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है और 1 जो है हमारे पास इंक्लूड नहीं हो रहा, जो आप लोगों के पास क्लोज्ड होगी ये जो डोनेशन है क्लोज्ड ब्रैकेट होगी और ओपन ब्रैकेट होगी, ओपन ब्रैकेट में ये होता है कि इंक्लूड नहीं होना 1 ने, और क्लोज ब्रैकेट में ये होता है कि हमारे पास 0 जो है वो इंक्लूड होगा। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जब हमारे पास इंटरवल 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा होगा, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा कुछ ऐसे zigzag तरीके से, तो वो तब हमारे पास ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मीन्स कि हमारे पास एक ही वे में सही तरीके से एक ग्राफ नहीं बनेगा, तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो इफ़ इंटरवल, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर इंटरवल जो है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x हो और वही चीज़ लेस देन 1 हो, तो ग्राफ जो है हमारे पास ब्रेक हो जाता है, देन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट 0 एंड 1। अब यहाँ पे देखें कि आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे मैम ने 0 इज़ लेस देन अल्फा किया और लेस देन 1 किया, तो यहाँ पे मैम 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू क्यों कह रही है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले इसे सॉल्व किया है कि अल्फा इज इक्वल टू 0, तो हम यही चीज़ दोबारा यहाँ पे कंबाइन करके लिख सकते हैं कि 0 जो है वो लेस देन और इक्वल है अल्फा से, और वो चीज़ दोनों वो चीज़ आप अल्फा जो है वो लेस देन 1 है, तो ये चीज़ हमारे पास जब ग्राफ बनेगा तो ये डिसकंटिन्यूअस का होगा, मीन्स कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास थ्योरम है 1.10,
लेट अल्फा बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन डी एंड लेट डी वन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू डी सच डैट कि आप लोगों के पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये डी वन है एंड डी टू जो है वो एक्स बिलोंग टू डी है सच डैट कि आपके पास जो फंक्शन है वो इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है. देन एफ इज मेजरेबल कि जो आपके पास एफ है वो मेजरेबल है इफ एंड ओनली इफ डी वन एंड डी टू आर मेजरेबल एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एफ टू डी जो है वो डिवाइड हो रहा है, डी जो है वो डिवाइड हो रहा है, डी वन यूनियन ऑफ डी टू इज मेजरेबल फंक्शन. क्या है आप लोगों को इस थ्योरम में गिवन कि आप लोगों के पास एफ जो है वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो चीज़ आपके पास मेजरेबल है डोमेन में डोमेन डी में और ये आप लोगों के पास डी वन गिवन है एंड डी टू गिवन है और एफ आपके पास मेजरेबल है इफ़ एंड ओनली इफ डी वन एंड डी टू जो है आपके पास मेजरेबल है. इसी तरह से हमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है एफ पे कि आप लोग डी जो है वो डिवाइड करो डी वन यूनियन ऑफ डी टू इज मेजरेबल फंक्शन. प्रूव इसका यह है कि लेट एफ जो है हमारे पास वही मेजरेबल है ऑन डी पे देन डी वन एंड डी टू आर मेजरेबल सेट्स. आल्सो आप लोगों के पास ये गिवन है एफ मैप टू डी डिवाइड बाय डी वन यूनियन ऑफ डी टू इज मेजरेबल फंक्शन. मींस के नोट डैट हमारे पास यही चीज़ है डी जो है वो डिवाइड होता है डी वन यूनियन ऑफ डी टू इज मेजरेबल सबसेट ऑफ डी कि ये चीज़ हमारे पास मेजरेबल है और वो किस चीज़ का सबसेट है इस डी का सबसेट है. डी के आप लोगों के पास डोमेन यूज हो रही है यहाँ पे और आप लोगों को ये भी पता है कि जब इफ एंड ओनली इफ यूज हो रहा हो तो आप लोग एक बार तो लेट सपोज करते हो उस दूसरी तरफ उसको कन्वर्सली प्रूव करना होता है आप लोगों ने कि ये चीज़ एक वे से तो ठीक है दूसरे वे से ठीक होगी या गलत होगी. तो हम ये कहते हैं कि कन्वर्सली द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ फॉलोज फ्रॉम द आइडेंटिटी. तो क्या है आप लोगों के पास कि एक्स जो है यही एक्स जो है वो बिलोंग टू डी करता है सच डैट कि आप लोगों के पास फंक्शन जो है अगर वो ग्रेटर देन अल्फा हो तब क्या होगा. तो यहाँ पे आप लोग ग्रेटर देन अल्फा कर रहे हो, जब ग्रेटर देन अल्फा करते हो तो आप लोगों के पास गिवन है कि एक्स बिलोंग टू डी सच डैट एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू इन्फिनिटी, ये चीज़ आप लोगों के पास यू डी वन है और जब आप यूनियन लेते हो तो आपके पास दूसरा फंक्शन जो है एक्स बिलोंग टू डी और वो चीज़ डिवाइड हो रही है एक्स बिलोंग टू डी और डिवाइड हो रही है डी वन यूनियन ऑफ डी टू, ये आप लोगों के पास फंक्शन है, ये सारा आपके पास डी है. यहाँ पे जैसे आप कह रहे हो ना कि डी जो है वो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है डी पे, तो दूसरी जानब जब आप ये डी वन कह देते हो डी टू जब कहते हो तो तब आप एक्स बिलोंग टू ये आप लोगों के पास गिवन है कि डी डिवाइड बाय डी वन यूनियन ऑफ डी टू करते हो. तो इसमें हमारे पास ये मैप कर रहा है हमारे पास एफ ऑफ फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन अल्फा है इन व्यू ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मीन्स के हम जब दो इन्फिनिटी है यहाँ पे, एक आप लोगों के पास इन्फिनिटी और एक आप लोगों के पास माइनस इन्फिनिटी है, तो आप लोग कैसे करते हो कि आप जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा करते हो एक की वैल्यू तो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हो और सेकंड आप यूनियन कर रहे होते हो तो यहाँ पे आप लोग जो डी ले रहे होते हो तो वही लेते हो. नेक्स्ट आप जब मैप करवाते हो फंक्शन से तो तब आप यही लेते हो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन अल्फा है. तो ये आप लोगों का प्रूव हो जाता है. इसके बाद आप लोगों को थ्योरम दिया जाता है इसी बुक मेयर थ्योरी का 1.11. आप लोग मेयर थ्योरी के आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड हैं तो आप लोग वहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिएगा और डू योर सेल्फ. इसी तरह से थ्योरम नंबर 1.8 है एंड 1.19 एंड 1.12 एंड 1.18. इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, चेक करना है कि वो कैसे होता है और ये भी आप लोग चेक करोगे जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो फिर बताइएगा. और उम्मीद है कि आप लोगों को जो लेक्चर है सारा समझ आ गया होगा. ये था आप लोगों का टॉपिक करैक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ना है इसी के करैक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन एंड सिंपल फंक्शन के थ्योरम प्रूफ लेमा. तो ये चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस करनी है. होपफुली कि आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ क्लास.